हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग लेसन नंबर 11, दैट इज लेट अस सेलिब्रेट। इसका मतलब है आओ जश्न मनाएं, उत्सव मनाएं। तो बेटा यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? तो यहाँ त्योहारों के बारे में बात की जा रही है, फेस्टिवल्स के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि जो हमारे फेस्टिवल्स हैं बेटा, हमारी लाइफ को कलर से भर देते हैं, रंगों से भर देते हैं, जिससे हमारी लाइफ में खुशियाँ आ जाती हैं। तो बेटा आज हम इस लेसन में कई ऐसे फेस्टिवल्स के बारे में रीड करेंगे। इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया को बेटा त्योहारों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। मैनी रिलीजियस एंड नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय। तो बेटा यहाँ पर अनेक धार्मिक और राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। स्पेशल डे और एन इवेंट इज नोन एज फेस्टिवल। एक विशेष दिन को और अवसर को हम क्या कहते हैं? फेस्टिवल, त्यौहार। पीपल फॉरगेट देयर डिफरेंसेस ऑन दिस डे एंड हैव लॉट्स ऑफ फन। डिफरेंसेस मतलब मतभेद। बेटा इस दिन क्या होता है, लोग अपने सभी मतभेद, लड़ाई झगड़ों को भूल जाते हैं और बहुत मजा करते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री। जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं देश भर में मनाए जाते हैं। द नेशनल फेस्टिवल्स आर दोज फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ अवर कंट्री। जो बेटा हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं वो हमारे देश के सम्मान में मनाए जाते हैं। अवर नेशनल फेस्टिवल्स आर, हमारे जो राष्ट्रीय त्यौहार हैं नीचे दिए गए हैं। रिपब्लिक डे, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। जो रिपब्लिक डे है बेटा वो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि बेटा इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, फोक डांसर्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड स्कूल चिल्ड्रन टेक पार्ट इन द परेड। तो बेटा इस दिन जो है सेना, नौसेना और जो हमारी वायु सेना है, पुलिस है और जो फोक डांसर हैं हमारे राज्य के और स्कूल के जो बच्चे हैं परेड में हिस्सा लेते हैं। इंडिया बिकेम रिपब्लिक इन द ईयर 1950। जो हमारा देश भारत है 1950 में गणतंत्र बना था। द मेन फंक्शन इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एट विजय चौक। जो इस दिन का जो मेन फंक्शन है बेटा न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाता है, विजय चौक पर। द प्रेजिडेंट अनफोल्ड्स द नेशनल फ्लैग। जो हमारे राष्ट्रपति हैं इस दिन नेशनल फ्लैग को फहराते हैं, राष्ट्रीय झंडे को फहराते हैं। ही टेक्स द सैल्यूट ऑफ परेड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। तो बेटा इस दिन क्या करते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं न्यू दिल्ली में राजपथ पर परेड की सलामी लेते हैं। इंडिपेंडेंस डे, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। ऑन 15 अगस्त 1947 वी गोट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। क्योंकि बेटा 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। किससे स्वतंत्रता मिली थी? ब्रिटिश राज्य से। द प्राइम मिनिस्टर होइस्ट्स अवर नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। जो बेटा हमारे प्रधानमंत्री हैं दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराते हैं। गांधी जयंती, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एज गांधी जयंती इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, हु इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। तो बेटा हमारी जो गांधी जयंती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन होता है, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड एट राजघाट द समाधि ऑफ गांधी जी। तो बेटा इस दिन कुछ विशेष भजन गाए जाते हैं, प्रार्थना की जाती है राजघाट पर, जो कि गांधी जी की समाधि है। बेटा अभी हमने कुछ नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा, जो कौन कौन से थे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती और इंडिपेंडेंस डे। रिपब्लिक डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 26
जनवरी को, और इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को, और गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को। ओके बेटा, थैंक यू।